अब इसकी जो मेन डिजाइनिंग है वो हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि इस एयर फिल्टर को ऐसा ही क्यों बनाया गया है, पेपर फिल्टर की डिजाइनिंग ऐसे क्यों की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पेपर है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि पेपर फिल्टर को कैसे बनाया जाता है। देखिए अभी जो मेरे पास पेपर है ये बहुत ही नॉर्मल है, इसकी आप स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए ताकि जो आगे प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं उसमें आपको बहुत काम आए। प्रैक्टिकल के लिए देखिए हमने एक पेपर का इस्तेमाल किया है। इस पेपर को एज ए हम माइक्रो फाइबर पेपर सेलुलोज लेकर के चल रहे हैं। और इसकी डिजाइनिंग कैसे होती है एक कार के अंदर आप पिक्चर में देख ही सकते हैं जो वीडियो में चल रहा है। अब देखिए इसको इस डिजाइन में बनाने का क्या रीजन है उसके हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले ये पेपर है। अब पेपर को जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि उसको जिगजैग मोड़ा गया है, तो जिगजैग क्यों मोड़ा गया है ये भी देख लेते हैं। देखिए इस पेपर को मैंने जिगजैग शेप दे दिया है। देखिए ऐसा एक पेपर था जिसको मैंने जिगजैग शेप दिया है, देख सकते हैं आप, पेपर की मोटाई भी देख सकते हैं। इसको जिगजैग शेप देने का क्या रीजन है, देखिए एक पेपर है मेरे पास जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है और एक पेपर मेरे पास है उसी वही पेपर जिसको मैंने जिगजैग शेप दिया है। अब इसके ऊपर मैं लोड भी रखूंगा तो आसानी से रोक सकता है। अब इसका लोड रोकने का मेन रीजन क्या है, इसको जिगजैग शेप दिया गया है, यहां पर एक ट्रायंगल शेप बन रही है। ट्रायंगल शेप आप जानते हैं ना, वर्ल्ड में सबसे मजबूत शेप यही होता है, इसी वजह से मैंने इसको जिगजैग शेप दिया है। नंबर दो रीजन क्या है, पहला क्या था, स्ट्रेंथ के लिए, STRENGTH, स्ट्रेंथ के लिए। नंबर दो इसको ऐसा मोड़ने का क्या क्या रीजन है, देखिए इस पेज की लंबाई देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए और इसकी ये पेज लगभग उतना ही है और इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए कितनी है। तो मैंने क्या किया, तो जिगजैग शेप में इसको मोड़ने का क्या रीजन है, नंबर वन स्ट्रेंथ। दूसरा क्या है, मैंने एक बड़े पेज को A4 साइज पेपर को जब मैंने इसको जिगजैग शेप दिया तो इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग 1/3 के करीब आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा सरफेस एरिया को मैं कम में लिया, यानी कि मोर सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया को कम में लिया है। नंबर तीन रीजन क्या है, देखिए अब ये जो पेपर फिल्टर है इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से आने वाली एयर आएगी और नीचे से क्लीन होके यहां पे डस्ट पार्टिकल इस वाले एरिया पे रुक जाएंगे और नीचे से जो है क्लीन एयर हमारे इंटेक स्ट्रोक के अंदर जाएगी। अब देखिए जब एयर बाहर से आ रही है और यहां पे फिल्टर होने के लिए इन कर रही है तो क्या होगा, शेप के कारण आप देख सकते हैं, शेप शेप के कारण क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल है वो इस एरिया में जाएंगे अंदर वाले एरिया में और बाहर का जो ये एरिया है ये वाला क्लीन रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटर लाइफ या बोल सकते हैं हम लॉन्ग लाइफ। और दूसरी चीज क्या है, सॉरी, बेटर लाइफ या लॉन्ग लाइफ इसको इस प्रकार शेप देने का यही रीजन है। तो ये था हमारा आज का जो है एयर फिल्टर, उसके टाइप क्या होते हैं। आज जो हमने स्टडी किया है एयर फिल्टर का जो है पेपर टाइप का जो है कंप्लीट स्टडी किया है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।